तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। तो देखिए, पहली बात तो मेरा इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो लेक्चर है मेरा बहुत कमाल का है, यानी जो हम सब 12th क्लास में मैथ पढ़ते हैं उसका 3rd चैप्टर यानी जो मैट्रिक्स है उसके बारे में आज का वीडियो है। यानी आज इस चैप्टर का स्टार्ट ही होगा, समझे कि नहीं? तो जाहिर से बात है ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका जो 12th बोर्ड एग्जाम में पूछता है, लगभग 10 नंबर 12 नंबर को मिला करके। यानी मैट्रिक्स और इसके नेक्स्ट चैप्टर जो डिटरमिनेंट है वो दोनों को लेकर के लगभग 12 से 15 नंबर के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होते हैं कि एग्जाम में 15 नंबर आपका कवर होने वाला है अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। तो आज का जो वीडियो हमारा होगा इस मैट्रिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो, यानी मैट्रिक्स है क्या, इसमें हमें किस प्रकार से पढ़ना है, किस चीज़ों को यहाँ इसमें हमें देखना है, वो सारे डिस्कस आज इस वीडियो में हम करेंगे। तो बिना स्किप किए हुए बिल्कुल कंटिन्यूस इस वीडियो को देखेंगे ताकि बिल्कुल इसमें दिक्कत फिर ना हो, क्योंकि आपको पता है ना कि चैप्टर का शुरुआत वीडियो अगर सही से देख लिया जाए, उसको अगर सही समझ लिया जाए तो पूरा चैप्टर अपने आप क्लियर होता है, उसे फिर कहीं हमें दिक्कत नहीं होती है। तो समझ के, तो आशा करते हैं बिल्कुल बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे। तो चलते हैं आज की लेक्चर की ओर। देखिए, हमारा जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो आपका क्लास 12th मैथ का 3rd चैप्टर है, समझे कि नहीं? पहली बात तो हमें देखना है कि मैट्रिक्स होता क्या है, यानी आव्यूह हम कहते किसको है, क्योंकि बिल्कुल आप सबके लिए नया होगा, क्योंकि ना तो 10th में पढ़ना है इसके बारे में, ना ही आपका 11th में कहीं पर आया है, ना 9th में, इसके पहले कहीं भी मैट्रिक्स नहीं पढ़ना है, समझे कि नहीं? तो जाहिर से बात है कि बिल्कुल नया ही होगा, और नया चीज़ को सीखने में हमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन अगर ध्यान दिया जाए तो बिल्कुल मज़ा आता है। फिर अगर एक बार पकड़ में आ गया लैंग्वेज तो फिर कभी दिक्कत नहीं होता है। तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। तो मैट्रिक्स देखिए क्या होता है। मैट्रिक्स एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना है, एक ऐसी रचना है जिसके अंतर्गत अदिश राशियां होती है। अदिश राशियां समझ रहे होंगे, जैसे एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी डी हो गया, यानी आपका जो अंक हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये सभी रहते इसमें, समझने के लिए देखिए ध्यान से देखना है। आव्यूह एक अदिश राशियों से निर्मित आयताकार रचना होती है, यह पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित संख्याओं का सेट है। यह क्या है? पंक्ति और स्तंभ। पंक्ति हम कहते हैं पढ़े हुए लाइन को, ये पंक्ति हो गया, और स्तंभ जो खड़ा रहता है उसको हम स्तंभ कहते हैं। तब पंक्ति और स्तंभों से निर्मित, देखिए पंक्ति और स्तंभों में व्यवस्थित संख्याओं का सेट है, यानी इसके अंतर्गत, मैट्रिक्स के अंतर्गत आपका संख्याएं देखने को मिलेगी, और वो पंक्तियां और कॉलम यानी स्तंभ में व्यवस्थित रहता है। यानी मैट्रिक्स के अंदर जो भी आपको संख्याएं देखने को मिलेगी वो पंक्ति और स्तंभों के रूप में ही दिखाई देते हैं, उस रूप में ही व्यवस्थित रहता है, समझे कि नहीं? और देखिए, हम मैट्रिक्स को सूचित किससे करेंगे? देखिए, मैट्रिक्स एक प्रकार का इस प्रकार का संरचना होती है, ऐसे करके समझिएगा ध्यान से। मैट्रिक्स का मतलब यही है, आपका दो बड़ी ब्रैकेट से घिरा हुआ आयताकार संरचना होती है जिसके अंदर में आपका अदिश राशियां होती है, और वो जो इसके अंदर में जो भी संख्याएं उपस्थित होगी वो पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, यानी ऐसे ऐसे या तो ऐसे ऐसे संख्याएं के रूप में उसमें व्यवस्थित रहती है। देखिए और आगे चलते हैं। अच्छा, आव्यूह को हम सूचित किससे करेंगे, ये भी बात होती है। तो देखिए, इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर समझ ही रहे आप, ए बी सी डी में ए से लेकर के जेड तक आप किसी से भी सूचित कर सकते हैं, यानी कैपिटल लेटर होना चाहिए सिर्फ। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को सूचित करेंगे। मान लेते हैं कोई भी एक हमें मैट्रिक्स लेना है, मान लेते हैं कोई भी एक मैट्रिक्स लेना है, इसके अंतर्गत में जो भी संख्याएं रहेगी तो इसको हम ए से लेकर के जेड तक कोई भी एबीसीडी का एक लेटर ले लीजिए, उससे आप सूचित कर सकते हैं। सामान्यता ए से ए को हम लेते हैं, सामान्यता ए से लिया जाता है, वो आप चाहे तो बी भी ले सकते हैं, सी से सूचित कीजिए, लेकिन कैपिटल लेटर में होना चाहिए,
उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप ए ही लीजिए, बी ही लीजिए, सी ही लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर यानी 2600 लेटर से आप सूचित कर सकते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर में रहना चाहिए, समझे कि नहीं। और देखिए आगे क्या है, मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित संख्याओं को हम तत्व या प्रविष्टियां या तो एलिमेंट्स कहते हैं। ये क्या चीज है, समझेगा ध्यान से। ये जो आपका मैट्रिक्स दिख रहा है ऐसे ही इसके अंदर में जो भी कुछ रहेगा, अब इसके अंदर उपस्थित जो कुछ रहे एबीसीडी में से कोई रहे या तो उसके अंदर संख्याएं रहे कोई भी, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसके अंदर उपस्थित संख्याओं को तत्व या बोल सकते हैं, प्रविष्टियां भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स भी कह सकते हैं इंग्लिश में, या तो अवयव बोल सकते हैं। अवयव, मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित संख्याओं को हम अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं, या तो प्रविष्टियां कहते हैं, समझ रहे कि नहीं। और देखिए आगे क्या है, सामान्यतः मैट्रिक्स के अवयवों को, देखिए ध्यान से, मैट्रिक्स के अवयवों को, ये जो मैट्रिक्स है इसके अंदर अवयवों को क्या कह रहा है, बड़ी कोष्टक यानी इस प्रकार के अंदर हम रखते हैं। यानी मैट्रिक्स में जो भी कुछ संख्याएं रहेगी उसको हम एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर व्यवस्थित करके रखते हैं, क्योंकि पहचान ही मैट्रिक्स का ये है, दो गो बड़ी ब्रैकेट, समझे कि नहीं, ये मैट्रिक्स का पहचान होता है। लेकिन अब पता है इसी को सिर्फ खड़ा लाइन दे दीजिए, ऐसे कर दीजिए, यानी बड़ी ब्रैकेट नहीं दे करके बस दो गो खड़ा लाइन दे दीजिए, तो इसको हम डिटरमिनेंट कहते हैं, जो कि जस्ट इसके अगले चैप्टर में हमें पढ़ना होता है, डिटरमिनेंट भी कहते हैं। और ऐसे ऐसे संकेत को हम मॉडुलस भी कहते हैं, जो कि 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत पढ़ना था, तो आगे की बात है। लेकिन हमेशा यहां पर मैट्रिक्स किस प्रकार से आपका व्यवस्थित देखने को मिलेगा, ऐसा व्यवस्था रहेगा, दो बड़ी ब्रैकेट के अंदर हम सब संख्याओं को रखते हैं, यानी इसके अवयवों को व्यवस्थित करते हैं, क्लियर है। आगे देखिए क्या है, अब मान लेते हैं, समझेगा, मान लेते कि ए को ये क्या है, अवयव है, आपको बता रहे हैं अभी कि हम अवयव को किसी भी अंग्रेजी लेटर से सूचित कर सकते हैं कैपिटल में लेकर के। तो मान लेते ए क्या है, अवयव है। अब देखिए एक एग्जांपल के तौर पर, ए देखिए ध्यान से, इस प्रकार से बड़ी ब्रैकेट से हम घेर करके इसको हम बोलेंगे अवयव। इसके अंदर जो भी आपका 3, 4, 2, 8 दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं अवयव, यानी एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसके अंदर जो भी आपको 3, 4, 2, 8 दिख रहा है इसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, समझेगा। एक और एग्जांपल ले लिया गया है, देखिए यहां पर ए से हमने सूचित किया था, यहां पर किसे सूचित किया है, बी से, आप सी से भी डाल सकते हैं। अब देखिए इसमें एक्स बाई माइनस दो जीरो आई प्लस दो है, 3+j है, ये सभी क्या है, इसके अंदर में प्रयुक्त जो कुछ भी दिख रहा है आपको, ये सभी को हम अवयव बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे, समझे कि नहीं। तो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है, जो मैट्रिक्स में अवयवों को दो प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, मैट्रिक्स के अंदर उपस्थित जो कुछ भी अवयव होते हैं, जो कुछ भी संख्याएं होती है, उसको हम दो तरीकों से, दो प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। पहला तो व्यवस्था है इस प्रकार से, आप डालिए ऐसे करके, यानी ऐसे ऐसे करके आप डाल सकते हैं, जैसे देखिए, या 2, 3, 4, 2, 8 और नीचे डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे आप डाल सकते हैं, यानी पड़ा हुआ लाइन के जैसा आप डाल सकते हैं, एक एडजस्टमेंट वो है। दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, ऐसे करके खड़ा लाइन रहेगा, ऐसे 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 ऐसे, तो ये होता क्या है, इससे हमें देखना है। पहली बात तो इसको ध्यान रखिए कि मैट्रिक्स के अंदर जो कुछ भी अवयव रहेंगे उसको हम दो प्रकार से व्यवस्थित करते हैं, पहला इस प्रकार से, ये जो तीर का निशान है, ऐसे 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 ऐसे, और दूसरा ऐसे ऐसे हम खड़ा लाइन के जैसा हम व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए क्या है, जो अब लाइन को समझते कि लाइन क्या दर्शा रहा है, उसे हम कहते क्या है, क्योंकि आगे हमें लाइन तो बोलना नहीं है, कुछ उसका नाम होते, जो देखिए आगे लिखा हुआ है, उपर्युक्त मैट्रिक्स में ये जो लाइन है, ये जो लाइन आपका दिख रहा है, इसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, पड़े हुए लाइन को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। और देखिए और एवं ये जो रेखा दिख रहा है, ये जो ऐसे करके दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं ऊर्ध्व रेखा, यानी वर्टिकल लाइन, समझिएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल लाइन, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, और कुछ नहीं। ये तो हुआ कि रेखा, सर ये तो हम जानते थे, अगर पूछा सर ये हम जानते हैं कि इस लाइन को हम कहेंगे क्षैतिज रेखा और इस लाइन को कहेंगे उदग्र रेखा, समझे कि नहीं, तो अभी भी नहीं हमें पता चल रहा है सर, और थोड़ा बताइए कि इस लाइन को बोलेंगे क्या,
क्या नाम है मैट्रिक्स के अंतर्गत, उसे हम कहते क्या है जो। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैट्रिक्स में क्षैतिज रेखाएं जो होती है, जो पड़ा हुआ लाइन होता है उसे हम पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति, इंग्लिश में रोज कहते हैं। समझिएगा, मैट्रिक्स में क्षैतिज रेखा जो आपका पड़ा हुआ लाइन मिलेगा उसको हम बोलेंगे पंक्ति यानी रोज, ठीक है। और मैट्रिक्स में ऊर्ध्वा जो रेखा, उदग्र भी बोलते हैं इसको, उदग्र जो रेखाएं हैं इसे हम स्तंभ कहते हैं, कॉलम कहा जाता है। सर जी अब पता चल रहा है कि क्या हो रहा है जो यहां पर, देखिए क्या है जो, इस तरह के लाइन को, इस तरह के लाइन को हम बोलेंगे उदग्र, उदग्र भी बोल सकते हैं या तो ऊर्ध्वा भी बोलते, इसको हम बोलते हैं उदग्र, ठीक है, उदग्र रेखाएं बोलते हैं, इसको हम उदग्र रेखा बोलेंगे। और इसी उदग्र रेखा को हम क्या बोलते हैं? अस्तम्भ बोलते हैं। एक जो खड़ा लाइन रहेगा वो, और इस प्रकार से व्यवस्था रहेगा इसको हम बोलेंगे, देखिए कि कौन लाइन बोलते हैं, क्षैतिज लाइन। और इस प्रकार के एलिमेंट्स के व्यवस्था को हम कहते हैं रो, रो यानी पंक्ति। ये बात है सर इसमें। अब थोड़ा पता चल रहा है कि जो इस प्रकार से जो भी कुछ लिखा रहेगा उसको हम रो में समझेंगे, और इस प्रकार से जो खड़ा खड़ा लिखा रहेगा उसको हम कॉलम में समझेंगे। जी सर, देखिए इधर क्या है, अब देखिए वही चीज को हम इसके रूप में समझ सकते हैं। अगर देखा जाए, देखिए ये जो व्यवस्था है, तीन और चार की जो व्यवस्था है वो रो है, यही तो रो में व्यवस्था है इसका, इसको हम पंक्ति में व्यवस्था बोलेंगे। देखिए एक पंक्ति ये हो गया, एक और देखिए नीचे दिख रहा है, एक और पंक्ति हो गया, रो टू हो गया, रो वन, ये रो टू हो गया, इसमें दो दो पंक्ति है। और इस प्रकार से भी जब देखिए इसमें व्यवस्था है, ये देखिए तीन और दो को अगर देखा जाए, देखिए इसमें ए जो है और ए जो है, इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं? कॉलम यानी स्तंभ बोलते हैं। तो जब भी आपको मैट्रिक्स मिले तो उसमें प्रयुक्त अवयव दो प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, एक तो खड़ी लाइन में ऐसे ऐसे जिसको हम बोलेंगे स्तंभ बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे, एक आपका ये इस प्रकार से व्यवस्था रहेगा जिसको हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे यानी पंक्ति कहते हैं। समझे कि नहीं? तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर चलते हैं आगे, और कुछ क्या इसमें देखना है जो, तो देखिए आगे चलते हैं। देखिए अगला जो हमारा है इसी चैप्टर में टॉपिक जो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं रह रहे, इसमें बहुत कुछ देखना है हमें, छोटे छोटे चीज को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आप फर्स्ट क्लास में जो चीज़ बताया जा रहा है उसको अगर ध्यान से नहीं समझेंगे तो आगे जो चीज़ें बताई जाएगी वो आपको नहीं पता चलेगा। इसका मतलब है कि जो जो मैट्रिक्स में चीज़ें होती है कंसेप्ट बाई कंसेप्ट हमें आगे चलना है, यानी सारे चीज को देखते हुए चलना है आगे, ताकि अगला जो स्टेप हो उसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए स्टेप बाई स्टेप हम चल रहे हैं, ठीक है। अगला जो इसका स्टेप है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स यानी अवयव का जो कोटि, यानी अवयव की कोटि, ये इसका मतलब है। ये क्या होता है सर? ये हमें नहीं पता चल रहा है। देखिए क्या होता है, जो चीज यहां लिखा हुआ है कि एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले किसी अवयव को एम इंटू एन कोटि का अवयव अथवा केवल एम एन अवयव कहते हैं। ये क्या है? देखिए कोई भी एक मान लेते हैं मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर में बहुत सारा कुछ भी अवयव भरा हुआ है, इसमें कोई मतलब नहीं, इसमें अवयव है, ठीक है। तो एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले किसी अवयव को, यानी एम पंक्ति और एन स्तंभ, ये क्या चीज है? ये जो एम है ये आपको क्या बता रहा है? देखिए पंक्ति को डिनोट कर रहा है यानी रो को बताएगा, और एन जो है ये बताएगा कॉलम को, यानी यही कोटि कहलाता है। देखिए कितना रो इसमें जो ये बताएगा और कितना कॉलम इसमें जो ये बताएगा, और इन दोनों को गुणा करके अगर लिखा जाए तो वो आपका कहलाता है मैट्रिक्स का कोटि, यानी मैट्रिक्स का ऑर्डर कहलाता है। वही चीज बस भाषा में करके लिखा हुआ है कि एम पंक्तियों, यहां पर बता नहीं रहा है कि कैमा पंक्ति जो या तो कैमा स्तंभ जो, सिर्फ कहा जा रहा है कि एम पंक्तियों तथा एन स्तंभों वाले
किसी अवयव को m इंटू एन कोटि का अवयव कहेंगे अथवा केवल m इंटू एन अवयव कहा जाता है। जैसे कि देखिए इधर नीचे में एक चीज लिखा हुआ है कि मान लेते कि ये कोई मैट्रिक्स है, मान लेते कि ए कोई क्या है मैट्रिक्स है, यानी ए बराबर है। ये चीज क्या है जो ध्यान देना हमें, बिल्कुल गहराई से देखना इसको। आपको पता है ये मैट्रिक्स का चिन्ह है, इसके अंदर जो आपका स्मॉल ए आई जे दिख रहा है ना, ए बताता अभी आपको, देखिए लिख दिए ए जो ए आई जे है, ए बताएगा आपके अवयव को, अवयव को दर्शाता है, यानी मैट्रिक्स के अंदर पाए जाने वाले अवयव को दर्शाता है। अब देखिए इसमें आई क्या है, जे क्या है, उसको भी देखना है। ए आई जो है रो को बताएगा, ये रो को बताएगा, रो के बताने का मतलब है कि ये जो ए अवयव है, यहां पर कुछ भी संख्या रहेगा, ये जो ए अवयव है वो किस रो का अवयव है, यानी कौन सा पंक्ति का वो अवयव है। और ये जे जो है वो क्या बताएगा, कॉलम को बताएगा कि ए जो ए अवयव है वो किस कॉलम का अवयव है, क्योंकि कोई भी इसमें एक अवयव जो है वो किसी न किसी रो में रहेगा या तो किसी न किसी कॉलम में रहेगा। तो हम उसको यहां पर तो पता नहीं चल रहा है कि किसमें कौन कॉलम कौन रो में, तो उसको हम एक संकेत के रूप में लिख दिए ए आई जे, जहां पर ए कोई अवयव को दर्शाएगा और ए अवयव किस रो में वो आई दर्शाएगा और ए कौन कॉलम में जो जे जो आपका जे दर्शाएगा इसमें। और ये देखिए चीज, ये जो चीज यहां पर लिखा हुआ है एम एन, एम एन जो है ए, देखिए यहां भी तो हम वही कह रहे हैं कि एम जो है वो दर्शाएगा रो को, एन जो है ये दर्शाएगा कॉलम को। तब बताइए इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहां भी आई जे रो और कॉलम को ही दर्शा रहा था, यहां भी एम और एन कॉलम को ही, रो और कॉलम को ही दर्शा रहा था, अंतर क्या है ये नहीं पता चल रहा है गुरुजी। तो देखिए क्या है जो अंतर, समझिएगा ध्यान से, ए अवयव को डिनोट करता है, इसके अंदर पाए जाने वाले अवयव को आई जे डिनोट करता है कि किस रो और किस कॉलम में अवयव है, लेकिन यहां जो एम है वो रो को बताएगा, लेकिन कौन रो को, इसमें पूरा कितना रो है, जो एक अवयव में पूरा कई रो है वो बताएगा एम, और एन जो है इस पूरे अवयव यानी पूरे मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स के अंदर में कितना कॉलम है जो एन बताएगा। तो दोनों में फर्क है, ए अवयव के स्थिति को बताता आईजे लेकिन स्थिति को नहीं बताएगा दोनों, ए एम जो है पूरे मैट्रिक्स में कितना आपका रो की संख्या है वो एम बताता है, ये जो एन है वो इस पूरे मैट्रिक्स में कितना आपका कॉलम है जो एन बताता है, बस ये यहां पर कहा जा रहा है। तो दोनों में फर्क है, एक ही नहीं समझना है। हाँ भले ये चीज है कि ए रो और ए कॉलम को दर्शाते हैं, लिखा हुआ चीज ठीक है, लेकिन दोनों को दर्शाने का जो काम है वो अलग अलग है। यहां पर, यहां पर और थोड़ा अगर डीपली लिखा जाए तो एम जो है, एम क्या बताएगा कि मैट्रिक्स में रो की संख्या, और देखिए आप बेहतर समझ सकते हैं, एम क्या बताएगा मैट्रिक्स में रो की संख्या कि कितना रो उसमें है, और एन जो, एन क्या बताएगा, एन बताएगा आपका मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या। लेकिन यहां पर तो ऐसी बात नहीं है, यहां पर क्या है, आई बताएगा कि ए किस रो में है, देखिए उसको भी हम लिख देते हैं अपने भाषा में, देखिए यहां जो आई है, आई बताएगा कि ए अवयव, ए अवयव, ए अवयव जो है, ए अवयव मैट्रिक्स के किस रो में है, ए आई का बताने का काम है। जे क्या करेगा, जे क्या करेगा, जे जो है ए अवयव, ए अवयव मैट्रिक्स के किस कॉलम में है। तो बताइए दोनों में बहुत फर्क है कि नहीं, आप ध्यान से देखिए, दोनों में बहुत फर्क है। आई जे अवयव के लिए बताया जाता है, देखिए आई क्या बताएगा, ए अवयव मैट्रिक्स के किस रो में उपस्थित है वो ए बताता है, रो की संख्या नहीं बता रहा है, ये इसकी स्थिति को बता रहा है। और जे क्या है, जे ए अवयव जो है मैट्रिक्स के किस कॉलम में उपस्थित है, यानी इसकी स्थिति को बता रहा है, ना कि कॉलम की संख्या को बता रहा है। लेकिन इधर क्या है, एम क्या करेगा, एम मैट्रिक्स में रो की संख्या को बताएगा, एन मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या बताता है, तो संख्या को बताएगा किसी के स्थिति को नहीं बताएगा। और यही
यही जो चीज यहां पर है m इंटू एन, ए क्या कहलाता है, इस मैट्रिक्स के कोटि कहे जाते हैं। हम पूरा डिस्कस इसके लिए सभी कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको भी तो हमें समझते जाना है, इसलिए उसको भी हम डिफाइन किए। साथ ही साथ इसको हम किस प्रकार से समझेंगे वो ये बताएगा। ये जो m इंटू एन है वो इस मैट्रिक्स के कोटि को डिनोट करता है। अब यहां पर कुछ भी संख्या दिया रहेगा, जैसे देखिए कुछ एग्जांपल ऊपर में देखिए, मान लेते 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अच्छा ये क्या चीज है, देखिए ध्यान से, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब क्या है। मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स है जिसको हमें 2 इंटू 2 ऑर्डर में लिखना है। 2 इंटू 2 ऑर्डर का मतलब है या अभी के लिए देखिए, एम का काम कौन कर रहा है, एम का काम तो 2 कर रहा है, एन का काम भी कौन कर रहा है, 2। और अभी बता दिया आपको कि एम क्या करता है, मैट्रिक्स में रो की संख्या को बताता है, एन क्या काम करेगा, मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या बताएगा। इसका मतलब जो हमें मैट्रिक्स लेने के लिए कहा जा रहा है उसमें रो की संख्या भी 2 है और कॉलम की संख्या भी 2 है, क्योंकि एम का काम है रो को बताना, एन का काम है कॉलम को बताना। यानी देखिए हम ले चुके हैं, ये आपका क्या हो गया R1 है कि नहीं, ए क्या आपका R2 है कि नहीं, तो देखिए 1 और 2 2 रो हुआ ना, और देखिए ए क्या आपका C1 हो गया इधर वाला, ए क्या आपका C2, ए जो चीज है हुआ C1, ए जो चीज है क्या हो गया आपका C2 हो गया। देखिए 1 और 2 दो को कॉलम भी और 2 को रो भी, तो हुआ ना आपका 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। ये चीजें होती है इसमें, तो कभी कभी इस प्रकार से एग्जाम्पल में भी आपसे पूछेगा एग्जाम में कि बताइए इनमें से कौन 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 2x2 जैसे ही लिखे तो इसका मतलब है कि उस मैट्रिक्स में 2 को रो और 2 को कॉलम होना चाहिए। अच्छा कभी कभी कह देगा ऐसे करके कि 1x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इनमें से कौन है, तो क्या करेंगे, तब ध्यान से देखना है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हमें पूछ रहा है उस मैट्रिक्स में एम आई क्या है एन, यानी रो की संख्या 1 है और कॉलम की संख्या 2 है। रो होना चाहिए 1, यानी ये जो पड़ा हुआ लाइन है वो 1 ही को होना चाहिए, लेकिन कॉलम खड़ा लाइन 2 को होना चाहिए, ये कह रहा है। तो देखिए ध्यान से है कि नहीं, आपका रो तो 1 ही है, एक ही रेंज में बस लिखा हुआ, लेकिन ऐसे ऐसे अगर देखा जाए तो 2 गो है, एक देखिए ए वाला हो गया और एक ए वाला हो गया, तो देखिए 2 गो कॉलम और 2 एगो रोज है कि नहीं। तो फर्स्ट वाला जो है रो को बताएगा रो की संख्या को, और सेकेंड वाला कॉलम की संख्या को। तो 1x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का मतलब है कि बस इस प्रकार से आप कुछ भी डाल दीजिए, बस इस प्रकार से मानते हैं 1 x 2 लिख दीजिए, ओ भी हो गया आपका, समझे कि नहीं। और देखिए अच्छा आपसे बताइएगा कि अगर इस प्रकार से रहे, देखिएगा देखिए बिल्कुल ये जो चैप्टर है कंसेप्ट वाला चीज है, आप अगर ध्यान से मेरे बातों को सुनेंगे, देखते के साथ साथ जो हम बोलते हैं वो चीज को ज्यादा सुनेंगे तो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा, क्योंकि जितना बड़ हम बोलते होंगे उतना बड़ तो लिखते नहीं इसमें। तो जाहिर से बात है अगर बातों को अच्छा से सुना जाए तो क्लियर पूरा कंसेप्ट होता चला जाएगा, समझ के लिए, बाकी इसमें कुछ नहीं है। हाँ लेकिन एक बात तो है कि जो चीज अभी हम कर रहे हैं, जो चीज अभी भी हम बता रहे हैं, वो सारे चीज जैसे जैसे क्लास बढ़ेंगे, यानी जैसे जैसे स्टेप इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे, सबका यूज होते जाएगा। इससे स्पष्ट हम सब होते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है जो, क्योंकि सभी बेसिक अभी हो रहा है इस चैप्टर का, तो इसका यूजेज हर एक जगह होते जाएगा इस पूरे चैप्टर में। अब आपसे एक चीज पूछते हैं, एक दे दिया कि 2x3 ऑर्डर, 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे दिया। सबसे पहले तो इसमें समझिए आप कि 2x3 ऑर्डर का यानी ए कोई मैट्रिक्स से 2x3 ऑर्डर का, इसका मतलब है कि इसमें कई रो होना चाहिए, 2 रो होना चाहिए। ये पहला क्या बताता है, रो को बताता है, इस मैट्रिक्स में 2 गो रो होना चाहिए, लेकिन कॉलम का होना चाहिए 3 कॉलम होना चाहिए। तो लिख लीजिए कुछ भी संख्या इसमें डाल दीजिए, देखिए क्या हो जाएगा। देखिए 2, 3, 4 -2, 0 और 7, देख लिया ध्यान से, इसमें 3 को कॉलम 2 को रो है। रो देखिए पहला रो ए हो गया, दूसरा रो ए वाला हो गया, लेकिन कॉलम 3 है, 1, 2 -2 प्रथम कॉलम में, 1, 3 और 0
सेकेंड कॉलम में, और देखिए 4 और 7 क्या हो गया थर्ड कॉलम में, बात ये हुआ कि नहीं 2×3 ऑर्डर का। तो जब भी इस प्रकार से पूछे तो आप इस तरह से समझ सकते, समझ करके साथ ही साथ कोई पूछे तो उसको समझा भी सकते हैं कि 2×3 ऑर्डर का मतलब है कि 2 रो और 3 कॉलम। आशा करते सभी में आप दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ इसको पलट भी सकता है, 3×2 ऑर्डर का कहेगा, यानी 3×2 ऑर्डर का अगर कह दे उसमें क्या करेंगे, उसका मतलब है कि 3 रो और 2 कॉलम। बस इसको ऐसे करके आप पलट दीजिए, ऐसे करके पलट देंगे यानी ये वाला ऐसे, तो देखिए 1 और 2 कॉलम हो जाएगा, बाकी 1, 2, 3 रो हो जाएगा, कुछ नहीं था। इसको बिल्कुल ध्यान में रखना कि ये सारे चीज यहां से यहां तक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर केयर करते हैं, ध्यान पूर्वक देख करके समझते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि फिर आपको मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें लिखी हुई है उसमें दिक्कत होने वाली है। समझ रहे कि नहीं, ये चीजें हैं। अब हमें थोड़ा सा और आगे देखना है, इसमें इसके बारे में ही देखना है। यहां तक अगर क्लियर हुआ हो तो आपकी स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं, तो देखिए आगे आगे का जो इस चैप्टर में हमारा टॉपिक है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स है। इसका मतलब है कि किसी भी अवयव में, यानी किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या कितना हो सकता है। हमें कभी कभी पूछता है आपका ऑर्डर दिया रहेगा, यानी किस कोटि का मैट्रिक्स है वो आपका दिया रहेगा, उसमें सिर्फ आपसे पूछेगा कि बताइए इस मैट्रिक्स में कितने अवयव हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है हम गिन भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं गिन सकते, गिन सकते हैं, लेकिन आपका पूरा इस प्रकार से दिया रहे इसमें एलिमेंट्स तब गिन सकते हैं। लेकिन अगर वैसा ना दे, सिर्फ कोटे दिया रहे, तब क्या करेंगे, तब कैसे गिनेंगे। उसका भी एक उपाय है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है किसी अवयव में अवयवों की संख्या में निकालना हो तो देखिए क्या होता है। जो मान लेते हैं, माना कि m×n कोटि का कोई क्या है, a एक मैट्रिक्स है, इसमें m×n के गुणनफल से प्राप्त संख्या कोई हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों की संख्या होगा। जो भी आपका कोटि दिया रहेगा, जिस भी कोटि का कोई मैट्रिक्स रहे, उस कोटि को आप गुना कर दीजिए आपस में, यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या को आप गुना कर दीजिए, रो की संख्या और कॉलम की संख्या को आप गुना कर दीजिए, तो गुणनफल से जो भी संख्याएं प्राप्त होगी वही संख्याएं क्या कहलाएगी, उस मैट्रिक्स में उपस्थित अवयवों की संख्या, और कुछ भी नहीं है। अपने भाषा में भी इसको हम लिख सकते हैं, अपने भाषा में लिख सकते हैं कि किसी मैट्रिक्स की रो एवं कॉलम को गुना करने पर प्राप्त संख्या को अवयवों की संख्या कहते हैं। बस यही चीज है, ये जो चीज है ना, यही आपका भाषा, बस अपने भाषा में उसको लिख दिए हैं कि किसी मैट्रिक्स की रो एवं कॉलम को गुना कर दीजिए। कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है उसमें जितना भी रो रहे, जितना भी कॉलम रहे, उस दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। जैसे ही गुना करेंगे तो एक प्रकार का आपके पास संख्या प्राप्त होगा, तो उसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अवयवों की संख्या कहेंगे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है वही बस चीज लिखा हुआ है। अब देखिए जैसे मान एग्जांपल समझिए, 2×3 ऑर्डर की कोई एक मैट्रिक्स है, उसमें अवयवों की संख्या निकालना हो तो कितना हो जाएगा, ए जो ऑर्डर है ये एम का मान है, ए एन का मान है, तो ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। देखिए वही लिखा हुआ, m×n के गुणनफल से प्राप्त संख्या, तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो जो भी संख्या प्राप्त होगी वो उस मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या कहलाएगी। तो देखिए द्वितीय कितना हो जाएगा, 6, यानी इस मैट्रिक्स में अवयवों की कुल संख्या कितना होगा, 6, ठीक। उसी प्रकार से ये देखिए 3×4 ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, अब उसमें अवयवों की संख्या हमें निकालना है, तो क्या कर देंगे, ए जो एम और एन का वैल्यू है इसको आपस में गुना कर दीजिए, तो जैसे इसको गुना करेंगे तो कुल अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा, 4×3=12, यानी इस मैट्रिक्स में कुल अवयव कितना होगा, 12। अब अगर ये चीज हमें नहीं पता रहता,
तो निकलता, अवयवों की संख्या निकलता, लेकिन कैसे? सबसे पहले तो हमें 3×4 ऑर्डर का हमें एक प्रकार का मैट्रिक्स बनाना पड़ता, यानी 3 रो और 4 कॉलम वाला एक प्रकार का मैट्रिक्स बनाना होता। मैट्रिक्स बनाने के बाद उसमें कुल संख्या यानी जितना भी उसमें अवयव रहेगा कुल को गिन लेते, जितना आता उतना उसमें अवयव की संख्या हो जाता। तो उतना अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो उतना आप कितना करेंगे, कितना बार ऐसे करके गिर गिर करके उसमें लिखते जाएंगे, बनाते जाएंगे। तो उससे आसान है कि जिस कोटि का दिया रहे आपका मैट्रिक्स, वो कोटि में एम और एन जो है यानी रो की संख्या और कॉलम की संख्या, उसको आपस में गुना कर दीजिए। जैसे गुना करेंगे तो उसमें उपस्थित अवयवों की संख्या आ जाएगा, और इसमें है नहीं कुछ समझने के लिए। तो इसमें तो हमें नहीं लगता है कि अब दिक्कत होना चाहिए, छोटा चीज है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो में बहुत आप मस्ती किए होंगे, साथ ही साथ बहुत सारे चीज को आप सीखे भी होंगे। इसी प्रकार से मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए ताकि इस चैप्टर में कहीं भी आपको प्रॉब्लम ना हो, और अगर इस चैप्टर से जितना भी नंबर का आपका एग्जाम में पूछे कभी भी छूटे नहीं, समझे कि नहीं। क्योंकि ये जो चैप्टर है हर एक वीडियो एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, आप अगर हर एक वीडियो को नहीं देखेंगे तो समझिए आपका फिर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। हमें कंसेप्ट ही तो देखना है, कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज में कुछ रखा नहीं है, एक्सरसाइज आपका बिल्कुल बन जाएगा, सिर्फ उसके पहले वाले जो भी चीज बताया जाएगा उस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और कंटिन्यूअस वीडियो को आपको देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।